हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ESP32 के डेटा सीट और हार्डवेयर डिजाइन गाइडलाइंस के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज एन पीसीबी डिजाइन इंजीनियर, एज एन सर्किट इंजीनियर, कि आप किस तरह से इंटरफेस करोगे, लाइक SPI UART I2C LCD LED, ये सब इंटरफेस कैसे करोगे, किस तरह से फ्लासिंग करोगे, स्ट्रैपिंग क्या होता है, इसके बारे में आज थोड़ा सा बात करेंगे अपने डेटा सीट के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह से हम एक आर्किटेक्चर को डिजाइन करते हैं, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था। एंड सेकंड वीडियो में जो मैंने आपके साथ बात किया था, वो बात किया था कंपोनेंट के सिलेक्शन के बारे में, कि हम हार्डवेयर के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो सिलेक्ट करने वाले हैं, कौन से MCU को सिलेक्ट करेंगे, कौन से ड्राइवर को सिलेक्ट करने वाले हैं, ये सब के बारे में लास्ट वीडियो में आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रखा है। ठीक है, आज की वीडियो में बात करेंगे इसी के बारे में, कैसे डेटा सेट एनालिसिस करेंगे, कौन से वैल्यू की रेजिस्टेंस रखती है, कौन से वैल्यू की कैपेसिटर रखती है, कहाँ पे ये हम कंट्रोलर को प्लेसमेंट करते हैं, जो ये सब चीजें हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे आप लोगों से बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हो, बट 7% जो रेशियो है ये बहुत ही खराब रेशियो है। 87% लोग हैं जो सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं करके रखे हैं, तो मैं कृपया रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करके रखो। एक सब्सक्राइब से मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और वीडियोस को शूट करता हूँ। इतनी मेहनत लगते हैं, टाइम लगती है, एडिटिंग में टाइम लगता है, हर एक चीज़ में टाइम लगता है। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली मैं एक अच्छा कंटेंट आप तक डिलीवर करूंगा। तो चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, अपना फीडबैक शेयर करो, व्हाट्सएप पे जाकर के चैनल है उसको ज्वाइन करो, जहाँ मैं रेगुलर अपडेट्स शेयर करता हूँ, कुछ फोटो शेयर करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उसे शेयर करता हूँ। लिंक्डइन पे भी जाकर के हमें फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इतने सारे लेक्चर्स आपके साथ शेयर कर रखा है, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब वीडियोज पे ऐड आता है तो कृपया करके पूरा ऐड को देखा करो, जिससे मेरा रेवेन्यू थोड़ा सा जनरेट होगा, जिसके बाद मैं आपके लिए और भी बेहतरीन कॉन्टेंट आपके लिए बना पाऊँ। क्योंकि मेरे पास कोई भी रिसोर्स अभी यूट्यूब हो या फिर फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, कहीं से कोई रिसोर्स नहीं है सोर्स ऑफ इनकम, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट बना पाऊँ। आप लोगों से बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हो, सर इस सॉफ्टवेयर को बताओ, इस सॉफ्टवेयर बताओ, इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताओ। हर चीज़ पे एक कॉस्ट लगता है, बट उस कॉस्ट को कैसे किया जाए, उसके लिए आप चैनल पे जो भी ऐड आते हैं उस पूरा देखा करो, स्किप नहीं किया करो ऐड को, तो मेरा रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ेगा, तो मैं और भी ज़्यादा आप लोगों के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से इसके आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद सेकंड वीडियो में मैंने आपके साथ बताया था कि कौन से कंट्रोलर, USB ड्राइवर, वोल्टेज रेगुलेटर IC, ये सब की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो मैंने आपको ESP के लिए बताया था कि एक्सप्रेसिव का मैं ये कंट्रोलर ले रहा हूं, है ना, USB ड्राइवर के लिए मैं CA340C ले रहा हूं, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए मैं AMS1117 की IC सिलेक्ट कर रहा हूं। आज बात करने वाला हूं एक एक करके, वन बाई वन करके। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो कंप्लीट होने वाला है ESP32 के बारे में, ESP32 के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है एज एन PCB डिज़ाइन इंजीनियर, उसके लिए हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखो मैं एक यहाँ पे सेक्शन बना रखा हूँ, सिलेक्ट MCU आइटम 1, यानी अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ तो सबसे पहले जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो होती है बेसिक डेटा सीट, यानी बोलूँ तो एक डेटा शीट की रिक्वायरमेंट होती है। और जब हम सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट पे जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हार्डवेयर डिज़ाइन गाइडलाइन। ठीक है, हार्डवेयर डिज़ाइन गाइडलाइन, तो डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, वन बाय वन करके देखेंगे कि डेटा सीट के अंदर क्या हमें रिक्वायरमेंट होती है, उस पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो सबसे हैं डेटा सीट में, तो यहाँ पे अब मैं जाऊँगा और ये जो कंट्रोलर मैं लास्ट टाइम आपको दिखाया था यही मैंने सिलेक्ट कर रखा था, यहाँ पे जाके इसमें जिसमें लिखने वाला हूँ डेटा सीट। ठीक है, जैसे इंटरप्रेस करूँगा यहाँ पे आ जाएगा आपको ESP32 WROM, ESP का ऑफिशियल वेबसाइट है, ये 32 पेज की एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे, देखो अभी कुछ मत देखो, आपके लिए ओवरव्यू और इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं इस वीडियो में। ठीक है, इस डेटा सीट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे फर्स्ट काम। ठीक है, तो इसमें आप जब यहाँ पे आओगे ना तो आपको सबसे पहले ओवरव्यू मिलेगा। इसमें क्या लिखता है ये देखो, ओवरव्यू में ये डी सीरीज है, एक यू सीरीज है। ठीक है, दो है, मैंने कौन सा सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, मैं एक बार ये देखता हूँ, मैंने यू सीरीज सिलेक्ट कर रखा है। यू सीरीज वाईफाई प्लस ब्लूटूथ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ब्लूटूथ और ये दोनों आपको फीचर्स में इसमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी रेंज काफ़ी है। लो पावर सेंसर नेटवर्क है जो कि काफ़ी कम पावर भी लेने वाला है, वॉइस को भी ये इनकोड कर सकता है, जो आपके कंट्रोलर है MP3 को डिकोड कर सकता है। ठीक है, मतलब ऑडियो को इनकोड डिकोड दोनों कर सकता है ये। W3 ROM, इसके बारे में ये हुआ। अब हम इसमें थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, ये स्पेसिफिकेशन देखो, ड्यूरिंग द PCB डिज़ाइन आपको क्या चीज़ें ध्यान रखना है, तो MCU में ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है। आप 32D में बात करोगे तो इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ आ जाएगा, एंटीना। तो 32D में क्या है, एंटीना ऑन बोर्ड PCB एंटीना। ठीक, और इसमें क्या है, एक्सटर्नल एंटीना कनेक्टर विच नीड्स टू बी कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल एंटीना। यहाँ पे क्या है कि जो डी है इसमें इंटरनल एंटीना है,
और जो यू है उसमें क्या है, एक्सटर्नल एंटीना है। तो मैंने जो यहाँ से लिया था वो लिया था ESP32WROM U। तो यू में मेरे को क्या है यहाँ पे, तो देखो इसको सर्च करता हूँ यू को, तो यू में मेरे पास देखो क्या है जो आते हैं आपके सीरीज में यू, यू में आपको यहाँ पे कनेक्टर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एंटीना माउंट करना पड़ेगा, बट इस क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल एंटीना है ना, यहाँ पे एक्सटर्नल एंटीना है। मतलब अभी तक जो मैं कंट्रोलर सिलेक्ट किया था, जो आपको लास्ट वीडियो में बताया, उसमें ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि यू हम मैंने ये वाले कंट्रोलर को सिलेक्ट किया है, और मेरे को चाहिए था एंटीना इनबिल्ट, ठीक है। तो एंटीना इनबिल्ट यू में नहीं मिलेगा, एंटीना यू जो मिलेगा वो किस में मिलने वाला है, आपको डी में मिलेगा। तो मैं ये वाले कंट्रोलर को एक बार देखता हूँ, डी देखो, डी में आपको यहाँ पे ये मिल गया, आ गया। देखो इसमें भी आपको एंटीना इनबिल्ट है। तो इस प्रोजेक्ट में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो मैं यू लिया था इसे मैं चेंज करके कर दूंगा ये, ठीक है, ESP32WROM32D। तो मैं डी सीरीज का एंटीना में जा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान रखना मैं डी में हूँ, अब इस वाले सेक्शन में हूँ, ई में नहीं, यू में नहीं हूँ, ठीक है। ऑन बोर्ड पीसी एंटीना चाहिए, तो एंटीना इसमें क्या हो गए आपके, ऑन बोर्ड हो गए। डायमेंशन क्या है दोनों की, डायमेंशन भी डिफरेंट है, एक में है 80 लेंथ विथ हाइट है 18, 25.5 एंड 3.1, इसमें 18, 19.2 एंड 3.2, ठीक है, ये हो। इसमें एक चीज़ आपको और इंपॉर्टेंट है जो आपको पॉइंट यहाँ पे नोट करके रखना है, और मैं क्या करता हूँ ना, एक एक्सेल शीट पे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, सो दैट की चीज़ें काफ़ी सही हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, मेरे को चाहिए यहाँ पे पैरामीटर और डिवाइस। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो मैं कंट्रोलर कौन सा लिया हूँ यहाँ पे, तो MCU जो है हमारा वो कौन सा है, तो MCU हमारा है यहाँ पे P32, ठीक है, ESP32WROM32D, ठीक है, 32D। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, कंट्रोलर हो गया। अब इस MCU के बारे में हम बात करेंगे वन बाई वन करके, ठीक है। सेकंड पॉइंट की अगर बात करता हूँ तो कंट्रोलर सेक्शन में जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये देखने मिलता है कि देखो क्या एक इंपॉर्टेंट आता है इसमें, फीचर क्या है, तो Wi-Fi+BT यहाँ पे है, ठीक है। एक क्या है यहाँ पे, Wi-Fi+BT, ठीक है, दोनों फीचर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इस बात करता हूँ तो क्या स्लिप करंट कितना है इसका, स्लिप करंट बोल रहा है लेस देन 5 mA है, माइक्रो एम्पियर है, सॉरी। ये कितना हो गया आपका बेसिक, लेस देन 5 μA, ठीक है, लेस देन 5 μA है, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट पैरामीटर, क्या आ रहा है इसमें, नेक्स्ट पैरामीटर आता है कि तो आउटपुट पावर कितना है एट एंटीना का, तो एंटीना का आउटपुट पावर है 20 dBm, ठीक है। एंटीना पावर कितना है यहाँ पे, 20 dBm, ठीक है, 20 dB का है यहाँ पे एंटीना का पावर है। बेसिक हो गई आपकी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको निकाल आउट चेकआउट करनी है वो करनी है क्या, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स पैरामीटर पे, डेटा सेट आप टाइम टू टाइम यहाँ पे यूज़ करते जाओ, ठीक है। ये सब इंटरफेसेस हैं इसके, आप यहाँ पे ये इंटरफेसेस भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इतने सारे इंटरफेसेस है, कुछ के मैं नाम दे दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इंटरफेसेस भी आपके मिल गए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मुझे यहाँ से निकलता है, इंटीग्रेटेड हार्डवेयर। अब देखो ये हार्डवेयर सेक्शन में हमारे हैं, तो ये मॉड्यूल इंटरफेस है, ये सब इंटरफेस कर सकते हैं। उसके बाद हार्डवेयर में इंटीग्रेटेड क्रिस्टल है, जो कि आपका कितना है, 40 MHz का है, यानी आपको 40 MHz का क्रिस्टल यहाँ पे लगा, ठीक है। हार्डवेयर इंटीग्रेटेड क्रिस्टल कितना आपको लगाना है, 40 MHz, ठीक है, 40 MHz का आपको क्रिस्टल लगाना है। ये आ गए पार्ट आपके फ्रॉम हार्डवेयर साइड, ठीक है, ये पार्ट आपके यहाँ से आ रहे हैं हार्डवेयर साइड से, ठीक है। इसके बाद अगर देखता हूँ तो SPI 4 MB है। ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है इसका, ऑपरेटिंग वोल्टेज 3.3 वोल्ट से लेके 3 वोल्ट तक, ठीक है, ये भी आप रिमार्क में ऐड करो। उसके बाद नेक्स्ट क्या आपको देखना है, ऑपरेटिंग करंट जो है वो आपको मेंटेन करना है 80 mA, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको मेंटेन करना है 80 mA, ठीक है, मिनिमम एक एवरेज मतलब कि बोल सकता हूँ आपका, ठीक है। मिनिमम करंट डिलीवर टू पावर सप्लाई, मिनिमम करंट कितना डिलीवर करेगा पावर सप्लाई को, ये कर सकता है 500 mA। टेम्परेचर वगैरह की मेरे को रिक्वायरमेंट अभी नहीं है यहाँ पे, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इतने रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है, तो ये मेरा काम हो गया। इसके पिनआउट के बारे में आप एक बार देखो, तो ये आपके बेसिक पिनआउट हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मुझे जो रिक्वायरमेंट होगी डेटा सीट से मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ इसमें से आप ये देख लो कि नंबर ऑफ़ पिन है इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ़ पिन जो आपको देखने के लिए मिलेंगे वो मिलेंगे 31 से स्टार्ट हैं, 14 तक हैं, 15 से 24, 25 से 38, 39 टोटल आपको नंबर ऑफ पिन कितने हैं, आप नंबर ऑफ पिन्स कितने हैं आपके 39 हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पिन्स आपके 39 हो गए, बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी मैं हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ, एज़ पर द नाउ हम हार्डवेयर पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक से लेके इतना तक हमारा काम हो गया हार्डवेयर पे, ठीक है। आशा करूँगा ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे। तो ये बेसिक पैरामीटर मैंने क्या कर लिया, यहाँ से नोट आउट कर लिया है, ठीक है, कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो क्रिस्टल आपको चाहिए, पावर सप्लाई में इतने चाहिए, ऑपरेटिंग करंट 80 मिली एम्पियर होना चाहिए, नंबर ऑफ पिन्स कितने हैं इसके 39 है, ठीक है। ये एक इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो स्ट्रैपिंग पिन आपका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, एज फॉर द हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, कि इस पिन से को अगर आपने कहीं भी हार्डवेयर डिजाइनिंग में गलती कर दी तो आपकी बोर्ड में काफ़ी सारे प्रॉब्लम आएंगे, जैसे कि आप बोर्ड को रीसेट नहीं कर पाओगे, आप बोर्ड को फ्लैश नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब GPIO को ध्यान रखना होता है कि हम जब बोर्ड को एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं कि किस तरह से बोर्ड आपका फ्लैश होगा या रीसेट मोड में जाएगा। तो ये चीज़ें हम वन बाय वन करके बात करेंगे इसे भी, ठीक है, जब मैं इसमें आगे चल के और भी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि ये MTDI GPIO वन बाय वन करके सेक्शन में काम करेंगे, जैसे जैसे लेआउट स्कीमेटिक डिज़ाइन करेंगे वहाँ पे चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। बट अभी हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये कंडीशन है, ये सब की SPI वगैरह कैसे काम करेगा, कहाँ पे आपको पुल अप करना है, पुल डाउन करना है, इसी से बेसिक काम हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें वैसा कुछ भी यहाँ पे अपने काम का नहीं है पार्ट, ठीक है, बाकी डेसी कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब है, इसमें अभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने बताया, एक ओवरव्यू दिया, ये पार्ट था डेटा सीट का, ठीक है। अब मैं सेकेंड डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ, तो वो होता है आपका हार्डवेयर डिज़ाइन गाइडलाइन गाइडलाइंस ऑफ ESP32। तो ESP32 के हम हार्डवेयर डिज़ाइन गाइडलाइन पे आएंगे, तो हमें ये पता चलने वाला है कि कौन से कंट्रोलर या किस कंट्रोलर के पिन पे हमें कौन से वैल्यू की रजिस्टर या कैपेसिटर लगानी है, क्रिस्टल लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो आप अब वन बाई वन करके आप स्कीमेटिक को समझो एक बार, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं आपको केवल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ कि क्या है, उसके बाद हमें शायद बहुत सारे लोग मेरे से क्वेरी करते हैं कि सर कौन से वैल्यू के रेजिस्टेंस कहाँ लगाते हैं, कब लगाते हैं, कि कैसे हम सिलेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ मिलती हैं, ठीक है। ये देखो 44 पेज का डॉक्यूमेंट है, जैसे आप नीचे आओगे तो ये आपको एक मिल गया आपके प्रोडक्ट का ओवरव्यू, जो अभी मैंने आपको बताया था कि 2.4 जो इसका वाईफाई है वो इस बैंड पे काम करता है, ठीक है, उसका ब्लूटूथ है, ये सब चीज़ें मैंने बता रखी हैं आपको, ठीक है। इसे हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमें फीचर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल गए। इसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो आपको मिलेंगे चैप्टर 3 में स्कीमेटिक चेकलिस्ट। अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट इंटरफेसेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे आप इसको जूम करोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे दिखेंगे कि यहाँ पे क्रिस्टल लगाने हैं, जैसे कि क्रिस्टल के लिए अगर आप देखो तो क्रिस्टल कहाँ पे आप यूज़ करोगे, ये एल और XT एल के पॉजिटिव, यहाँ पे देखो आपको ये क्रिस्टल लगा दिए गए हैं, तो इस तरह से क्रिस्टल के साथ क्या लगाना है, जो आपको बोला गया है एज इट इज़ वही लगाना है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये बोला गया कि क्रिस्टल के पॉजिटिव पे एक आपको पुल अप किया गया है, रेजिस्टेंस लगा के कैपेसिटर लगाया गया है, तो ये आपको ये काम भी करना है। उसी तरह से आपको यहाँ देखो सेकंड वाले नेगेटिव जो है क्रिस्टल का पिन नंबर 44, यहाँ पे आपको करना क्या है बेसिक, यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, कैपेसिटर एक लगाना है, यहाँ पर आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं लगानी है, ये रेजिस्टेंस नहीं लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो, ये सब चीज़ों को बेसिक ऑपरेट कर सकते हो, यहीं से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें अलग अलग आपको इंटरफेसेस भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या है, स्कीमेटिक क्वाड 3v3 पैकेज फ्लैश है, ठीक है, फ्लैशिंग वगैरह के लिए सब चीज़ें यूज़ होती हैं, पावर सप्लाई, चिप, पावर टाइमिंग, इस एप्लीकेशन यहाँ पे दी गई है। पावर सप्लाई के लिए आपको यहाँ पे बताया गया है कि आप पावर सप्लाई कैसे दोगे, डायरेक्टली हाई नहीं कर सकते हो, ये सब चीज़ों की बेसिक आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। एनालॉग पावर सप्लाई है, आपको जो भी रेफरेंस चाहिए होगा इस डॉक्यूमेंट्स को आप पढ़ोगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, देख सकते हो आप हर चीज़ के लिए RTC पावर सप्लाई आपको मिल जाएंगे, चिप पावर अप एंड रीसेट टाइमिंग के लिए आपको यहाँ पे हैं, तो जो भी आप इंटरफेस करोगे उसके लिए आपको यहाँ पे रेफरेंस मिल जाएंगे। एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं, 40 MHz के लगाने, तो आप कैसे लगाओगे, क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, वो सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं। बाकायदा आपको उसके लिए फिर फॉर्मूला भी दिया गया है कि आप कैलकुलेट भी कर सको, कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। सर्किटरी है, तो RF सर्किट में ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एंटीना, देखो यहाँ पे आपका एंटीना दिया गया है ना, एंटीना के पास कैसे आपको इंटरफेस करने हैं, कहाँ पे आप लगाओगे एंटीना का,
क्या कैपेसिटर लगना है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। फिर RF के ट्यूनिंग के लिए है कि आप कैसे ट्यून करोगे, तो वो भी चीज़ें आप चेक कर सकते हो, जैसे कि इम्पेडेंस मैचिंग वगैरह अगर हमें वेरीफाई करना है तो वो भी चीज़ें हैं। UART के लिए आपको दी गई है क्या, यहाँ पे देखो, इट इज़ रिकमेंडेड टू कंटेन 499 ओम सीरीज रजिस्टर विद U0 RX, तो RX के साथ आपको 499 ओम का क्या करना है, एक रजिस्टेंस भी आपको यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ें आपको जब यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चैप्टर 6 में आपको फिर और भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे कि आपको किस तरह से यहाँ पे काम करना है, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपको, वो जो कि है राउट कंपोनेंट प्लेसमेंट। तो उसके लिए देखो, यहाँ पे जब आप आओगे 4.2 में तो आपको मिलेंगे पोजीशनिंग अ मॉड्यूल ऑन अ बेस बोर्ड। जब आप पीसीबी को डिज़ाइन करोगे तो उसमें ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आपको बेस्ट वे कौन सा होता है पीसीबी को डिज़ाइन करने के लिए। तो सपोज़ करो आपके ये बोर्ड है, ठीक है, एक आपका पीसीबी का बेस बोर्ड है, उसमें से विच वन इज़ द राइट मैथड टू प्लेस योर कंपोनेंट और आईसी, आई एम टॉकिंग अबाउट देन आईसी, कहाँ पे आप अपने आईसी को प्लेस करोगे। 1, 2, 3, 4, 5 सेक्शन आपको दिए गए, तो बेस्ट वे ये बता रहा है कि आपको इस तरह से कॉर्नर की साइड में प्लेस करना है अपनी, क्योंकि एंटीना होगा तो बीच में अगर आप लगा दोगे तो सिग्नल वगैरह भी यहाँ पे डिस्टर्ब करने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमेशा इसके कॉर्नर कोई भी ले लो, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे इन 5 पोजीशंस में से आप रख सकते हो, बट ये हमेशा कोशिश करो कि इसके आसपास कंपोनेंट के पास या तो आप कीप आउट एरिया, इतना दूर का आप कीप आउट एरिया रखो, और या तो फिर आप इसको कॉर्नर के साइड में प्लेस करो, दैट इज़ टू मच बेटर ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको कितना क्लियरेंस रखना है बोर्ड से, तो इतना आपको क्लियरेंस यहाँ पे लेके चलना है ना, कीप आउट जोन फॉर ESP32 मोर एंटीना ऑन द बेस बोर्ड, क्योंकि एंटीना जो आपका है ये बाहर नहीं जानी चाहिए। जैसे इसमें क्या हो रहा है, ये एंटीना आपके देखो इतने बाहर आ रहे हैं, तो ये चीज़ें बाहर नहीं जानी चाहिए, तो इसके लिए ये बोला गया ये जो ब्लैक वाले पोर्शन है ये आपके अंदर होनी चाहिए। तो उसको अंदर करने के लिए ये आपको यहाँ पे एरिया बताया गया कि इतने आपको एटलीस्ट इतना आपको छोड़ के चलना है, ठीक है। उसके बाद ये राउटिंग वगैरह के लिए दिया गया कि आपको कैसे पावर सप्लाई के डिज़ाइन करना है, आपके जो कंट्रोलर है उसके पास में आपको क्या नहीं रखना है। तो ये सब जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक क्लियर नहीं होगा, आप थोड़ा सा इसमें मेहनत करो, डेफिनेटली बोलूँगा अच्छा रिजल्ट आएगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। RF के लिए देखो कैसे बता रहा है यहाँ पे कि ट्रेसेस जा रही हैं, है ना, तो RF, तो ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जब तक आप पढ़ना शुरू नहीं करोगे। ये आपको दिख रहे हैं स्टैकअप के लिए, जब आप मल्टी लेयर PCB बनाओगे तो आपको क्या क्या होने चाहिए, कितनी विड्थ गैप होनी चाहिए लेयर का, कितने आपको थिकनेस चाहिए होंगी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है कि ये 4 लेयर का एक एग्जांपल लेकर के आपको बताया गया है, ठीक है। तो आशा करूँगा आपको ये पॉइंट्स, ये वीडियो में समझ में आया होगा कि हम किस तरह से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मेरा ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। फिर से बताता हूँ कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर के, लिंक्डइन पे या फिर व्हाट्सएप के पेज चैनल पे जाकर के चैनल को फॉलो करो, जहाँ मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ USB ड्राइवर के IC के एनालिसिस के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।